today's topics. Our first topic is recall nouns, introduction of adjectives. So first of all, we shall recall nouns. Noun is the name of a person, place, animal or a thing. Noun kya hai beta? Kisi bhi person, किसी भी प्लेस, किसी भी एनिमल या किसी भी चीज़ के नेम को क्या बोला जाता है? नाउन. वेरी गुड. एग्जांपल्स इसकी चेक करते हैं. अली, सारा, बॉय एंड गर्ल. तो बेटा ये क्या है? किसी भी पर्सन की नेम है, तो इस वजह से ये क्या है? नाउन्स. ओके, नेक्स्ट देखा जाए, कैट, पैरट, लाइन. तो ये सब क्या है? एनिमल्स के नेम. तो ये भी सब क्या हैं? नाउन्स. कंट्री, लंदन, सिटी, कराची, पार्क, जिना पार्क. तो ये सब क्या हैं बेटा? प्लेसेस के नेम. तो ये भी क्या हैं? नाउन्स. ओके, आई होप कि आपको नाउन की समझ आ गई होगी. तो चलें हम अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. सो लेट्स डिस्कस आर सेकेंड टॉपिक. आर सेकेंड टॉपिक इज एडजेक्टिव्स. Its definition is words that describe the quality of a person, animal, place or thing are called adjectives. Adjectives क्या हैं? वो वाले words हैं बेटा जो किसी भी person, किसी animal, किसी place या किसी भी thing की quality को describe करें, तो वो क्या कहलाते हैं? Adjectives. Okay? नेक्स्ट देखें, वर्ड्स फॉर नंबर्स, कलर्स, साइज एंड शेप आर आल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स. वो वाले वर्ड्स जो किसी भी चीज़ का नंबर्स, उसकी कलर और उसके साइज और शेप के बारे में डिस्क्राइब करें, तो वो भी क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स. उसकी एग्जांपल चेक करें, स्मार्ट बॉय. तो अब स्मार्ट बॉय में देखा जाए तो जो वर्ड बॉय है ये क्या है? यस, बॉय नाउन है. और स्मार्ट क्या है? यस, क्वालिफाई कर रहा है ना बॉय को, यानी कि ये जो वर्ड स्मार्ट है ये आपको बता रहा है कि वो बॉय जो है वो कैसा है. तो बॉय को की जो क्वालिटी है उसको डिस्क्राइब कर रहा है वर्ड स्मार्ट. तो स्मार्ट बॉय क्या है? इसमें स्मार्ट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव. वेरी गुड. नेक्स्ट देखा जाए, ग्रीन पैरट. पैरट बेटा नाउन है, और जो वर्ड ग्रीन है ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कि वो जो पैरट है वो किस कलर का है? यस, ग्रीन कलर का. हमने पढ़ा है ना कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो कलर्स को भी डिस्क्राइब करते हैं, तो ग्रीन जो है ये क्या है? एडजेक्टिव. राउंड बॉल, बिग हॉल, वन हैन एंड टू चिक्स. ओके, ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव्स. ओके, नेक्स्ट देखें, एन एडजेक्टिव आल्सो डिस्क्राइब्स How someone or something looks. एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करते हैं? कि कोई चीज़ कैसी लुक्स, लुक्स मीन्स दिख रही है. टेस्ट, फील्स, स्मेल्स और साउंड्स लाइक. एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स को भी बोला जाता है जो ये डिस्क्राइब करें कि समथिंग यानी कोई चीज़ कैसी दिख रही है, वो उसका टेस्ट कैसा है, वो फील कैसी हो रही है, उसकी स्मेल कैसी है और उसकी साउंड कैसी है. इसकी एग्जांपल्स चेक करें, फिर हमें उसकी समझ आ जाएगी. ओके, ब्यूटीफुल गर्ल. तो अब यहाँ पर उसकी लुक्स के बारे में बात करें. गर्ल देखें, गर्ल क्या है? एक नाउन. तो अब वो गर्ल जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास जो वर्ड है ब्यूटीफुल, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है ब्यूटीफुल वर्ड गर्ल की. तो इसलिए जो ब्यूटीफुल वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट है सॉल्टी चिप्स. चिप्स हमारे पास नाउन है, और चिप्स का टेस्ट किस तरह का है? सॉल्टी. तो वर्ड जो सॉल्टी है वो भी क्या है? एडजेक्टिव. नेक्स्ट है फ्रेश फ्रेग्रेंस. फ्रेग्रेंस यानी उसकी जो परफ्यूम है उसकी स्मेल के बारे में बात कर रहे हैं कि उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो कैसी है? फ्रेश. वेरी गुड. नेक्स्ट है लाउड म्यूज़िक. तो अगर म्यूज़िक के बारे में बात कर रहे हैं यानी किसी चीज़ की साउंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी साउंड कैसी है? लाउड. नेक्स्ट देखें सॉफ्ट पिलो. तो ये क्या है? पिलो के
को डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज़ किया है सॉफ्ट, ये क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी वर्ड जो सॉफ्ट है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि वो पिलो जो है वो कैसा है। ओके सो बेटा आपकी आज की डायरी है अंडरलाइन एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। बेटा ये आपको जो 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से आपने एडजेक्टिव जो हैं उनको अंडरलाइन करना है, और फिर जब आपकी जूम क्लास ली जाएगी तो बेटा आपने मुझे बताना है कि इन 6 सेंटेंसेस में एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। ओके बेटा अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।